बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ये वेज कटलेट आपको ट्रेन के सफर की याद दिला देंगे। आज हम इन्हें सर्व करेंगे बिल्कुल ट्रेन वाले स्टाइल में, तो आप भी इन्हें बनाएं और घर पे एंजॉय करें। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेलवे कटलेट की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉनस्टिक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म हो जाने पे हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और फिर इसमें डालें एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। दोनों चीजों को 10 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे सौते करें। फिर हम इसमें डालेंगे एक बीटरूट ग्रेट करके। यहाँ पे मैंने स्मॉल टू मीडियम साइज का बीटरूट यूज करा है और ग्रेटर के मोटे वाले साइज से इसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेटेड बीटरूट को डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे सौते करें। काफी मॉइस्चर होता है बीटरूट में, तो इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए सौते करें और मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करें। अब हम इसमें डालेंगे एक गाजर, इसे भी मैंने ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ग्रेट करके डाला है। गाजर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें, दोनों चीजों का रॉ स्मेल चला जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, और साथ ही साथ हमें इसका मॉइस्चर हटाना है, तो इन्हें लगातार चलाते हुए सौते करें। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप हरी मटर। यहाँ पे मैं ताजी मटर का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रोजन पीस का भी यूज कर सकते हैं। फ्रोजन पीस को ब्लांच करके इसमें डालें, तो बस हम इन्हें 2 मिनट के लिए और सौते करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइस पाउडर्स। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच या आप डालें स्वाद अनुसार नमक। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको डालने के बाद अच्छे से मसालों को वेजिटेबल्स के साथ भून लें। अब ये मिक्सचर काफी एरोमेटिक हो चुका है, इसका मॉइस्चर कंटेंट भी हट चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट करे हुए आलू। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को ग्रेट करके इसमें डाला है। वेज कटलेट में आलू एक मेन इंग्रेडिएंट तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, तो आलूओं को भी सारे मिक्सचर के साथ अच्छे से सौते करें। इसे स्पैचुला से प्रेस करते हुए मिक्स करें और जैसे आप देखें कि ये पैन के साइज को छोड़ने लगा है, यानी कि हमारा मिक्सचर अच्छे से सौते हो चुका है। तो अब हम इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस पैन में ना डालें, जब आप मिक्सचर को बोल में निकाल लें तभी नींबू का रस डालें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया। इसे डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लें। और अब या तो आप मिक्सचर को फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, या फिर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। अब हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, आइए इसके कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया था। अब इसका एक बॉल साइज का डो लिया है और इसे हम लीफ की शेप देंगे। आप चाहें तो इसे सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं, तो अपने पाम्स के बीच में प्रेस करके इसे लीफ की एक शेप दे दें, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। और सारे कटलेट्स को बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लें। अपने हाथों को तेल से ग्रीस करना ना भूलें, इससे ये मिक्सचर आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। तो हमारे लीफ शेप्ड कटलेट्स बिल्कुल तैयार है। अब आइए करते हैं इनकी कोटिंग। ड्राई कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड क्रम्स और अब हम प्रिपेयर करेंगे एक वेट स्लरी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप मैदा और इसी में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच लाल मिर्च का पाउडर और 1 पिंच नमक। अब इसमें डालें जरूरत के अनुसार पानी और इसकी एक कोटिंग कंसिस्टेंसी की स्लरी बना लें। इसे अच्छे से मिक्स करें और आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इन कटलेट्स को लेंगे, इस वेट स्लरी में डिप करेंगे। ध्यान रखें कि जिस स्पून से आप इस वेट स्लरी में से डिप कर रहे हो, दूसरे स्पून से आप इसे ड्राई मिक्सचर से कोट करें, नहीं तो आपके दोनों मिक्सचर्स आपस में चिपक जाएंगे और ये अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा। तो अब हमने इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर दिया है। इसी स्टेज पे आप इसे लीफ की शेप परफेक्टली दे दें, अगर थोड़ी इधर उधर बिगड़ गई हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से कोट हो चुका है। इसे एक प्लेट पे रख लें। बिल्कुल इसी तरीके से सारे कटलेट्स को पहले वेट कोट करें और फिर ब्रेड क्रम्स से ड्राई कोटिंग करें और रेडी कर लें।
अब इन्हें करीब एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें और फिर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। आप इन्हें काफी लंबे समय के लिए डीप फ्रीजर में भी क्लिंग रैप करके स्टोर कर सकते हैं और जब गेस्ट आए तो तुरंत इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट है और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली 2 या 3 कटलेट्स ही एक बार में डालें, कढ़ाई को बिल्कुल भी ओवरक्राउड ना करें और इन्हें टर्न करते हुए गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करें। तेल का टेम्परेचर सही होना बहुत जरूरी है। अगर तेल का टेम्परेचर तेज होगा तो ये बाहर से बहुत ही जल्दी डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे, और तेल अगर कम गर्म होगा तो ये बहुत ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटलेट्स में कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, बढ़िया क्रंची और क्रिस्पी कटलेट्स बनके तैयार है। इसी तरीके से बाकी बैचेस को भी तैयार कर लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे बिल्कुल रेलवे स्टाइल में। एक फॉइल बॉक्स में हम रखेंगे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और इसी के साथ हम सर्व करेंगे 2 कटलेट्स। इसके साथ मैं डाल रही हूँ कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, साथ में सर्व करें फ्रेंच फ्राइज, बटर और टमेटो केचप। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची रेलवे स्टाइल कटलेट्स का घर पे मजा उठाएं। इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो अपने ट्रेन के सफर की पुरानी यादें ताजा करें, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।